प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली की सीक्रेट सुरक्षा का जायजा लेने जा रही वायुसेना के हेलीकॉप्टर में बुधवार को अचानक तकनीकी खराबी आ गई। हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी के बाद उसे यूपी के प्रतापगढ़ में इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। दोपहर 1:15 बजे सूझबूझ दिखाते हुए पायलट ने प्रतापगढ़ के लालगंज कोतवाली अंतर्गत खुशियालीपुर गांव के पास खेत में हेलीकॉप्टर को उतारा। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने हेलीकॉप्टर को घेरे में ले लिया। बाद में प्रयागराज से पहुंचे दूसरे हेलीकॉप्टर से सभी लोग चले गए। वहीं हेलीकॉप्टर के इमरजेंसी लैंडिंग के बाद इलाके में ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। बता दें कि वायुसेना के पायलट ने सूझबूझ का परिचय देते हुए तत्काल गांव के खाली स्थान पर लैंडिंग की। इस बीच वहां सैकड़ों की संख्या में लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। वायुसेना के हेलीकॉप्टर को देख उनमें मामले को जानने की उत्सुकता थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को कौशाम्बी में विजय संकल्प रैली को संबोधित करने पहुंचे थे। पीएम के दौरे को लेकर सुरक्षा के लिहाज से वायुसेना का हेलीकॉप्टर कौशाम्बी जा रहा था। इसी दौरान जेठवारा थाना इलाके के बरापुर गांव के पास हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। मौके पर आसपास के काफी लोग जमा हो गए। सूचना के बाद वायुसेना के सैनिकों को दूसरे हेलीकॉप्टर से भेजा गया। इसी बीच सूचना पाकर वहां स्थानीय प्रशासन और पुलिस पहुंच गई, इलाके को अपने कब्जे में ले लिया और भीड़ को वहां से दूर किया। वहीं सूचना मिलने के बाद वायुसेना ने तत्काल दूसरा हेलीकॉप्टर भेजकर जवानों को मुख्यालय रवाना किया। वहीं हेलीकॉप्टर की सुरक्षा के लिए वहां पर पुलिस तैनात कर दी गई है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।